हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शर्ट के कॉलर को पूरी तरह से साफ करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। अक्सर शर्ट के कॉलर पर मैल की लाइन कुछ इस तरह से बन जाती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे कि कपड़ों को अच्छे तरीके से धोया ना गया हो। आज मैं आपके साथ शर्ट के कॉलर को साफ करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे शर्ट एकदम से साफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं शर्ट के कॉलर के ऊपर मैल की लाइन लगी हुई है, तो हम इसे आज साफ करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर को गीला कर लेंगे, और इसे साफ करने के लिए मैंने लिया है शैम्पू। तो आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं आप वही शैम्पू ले सकते हैं। और साथ में मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है। तो अभी शर्ट के कॉलर को गीला करने के बाद जहां पर भी मैल की लाइन है वहां पर हम थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करेंगे। अगर आपने ये तरीका अभी तक कभी ट्राई नहीं किया तो आप इस तरह से अपनी शर्ट के कॉलर को एक बार साफ करके जरूर देखें। तो इस तरह से थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करेंगे और फिर पुराने टूथब्रश से हम इसको रब करेंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है, तो इससे कॉलर भी खराब नहीं होगा और मैल भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। जो लोग लाइट कलर की शर्ट्स पहनते हैं उनके कॉलर भी कुछ इस तरह से मैले हो जाते हैं। और इसी तरह से हम पॉकेट पर भी और शर्ट के कफ भी इसी तरह से साफ करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 शर्ट साफ करके दिखाऊंगी, क्योंकि एक सैशे से 4 से 5 शर्टें हम आराम से साफ कर सकते हैं। तो अभी ये स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट है, आप इस तरीके को एक बार ट्राई जरूर करें। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल मोनिकाज़ DIY को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इसी तरह से मैंने सारी शर्ट्स के कॉलर को साफ कर लिया है। तो अब आप इस शर्ट को जैसे भी आप अपनी वॉशिंग करते हैं उसी तरह से धोएं। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन में सारी शर्ट्स को डाल दूंगी और फिर इसे सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी शर्ट सूख चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं कि कॉलर पर कहीं पर भी कोई भी मैल का निशान नहीं है। तो सारी शर्ट्स बहुत ही अच्छे से साफ हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।